बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद, बल्कि उनते हुकूमत कायम कर ली ना, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर निके मोटे तालिबान जो है ना वो जन्म लेना शुरू हो गए हैं, बल्कि वो पहले से इस तरह के हैं। अब ज़रा यूँ समझ लें कि उनको एक हलाशेरी सी मिल गई है और वो ये समझ रहे हैं कि चूँकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को या तालिबान के कब्ज़े को बहुत सारी हुकूमतें जो हैं वो यूरोपीय हुकूमतें और दूसरी घूमते जो हैं उनको कोई चांस देने के मूड में है, साडा भी शायद को दाल लगा जी असी कोई चांस ले लीए। इस तरह का एक वाकया जो है इस्लामाबाद में हुआ है, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर। लाल मस्जिद एक बहुत मशहूर जगह है जैसा कि आप जानते हैं। उस मस्जिद के जो इमाम हैं मौलाना अब्दुल अजीज साहब, उनके बारे उनके हवाले से ये एहतशाम साहब हैं, उनके तर्जमान हाफिज एहतशाम साहब, उन्होंने ये बयान जारी किया था, उन्होंने ये खबर रिलीज़ की थी और वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसको जारी किया फौरी तौर पर। और उन्होंने उस जिसमें ये कहा था कि जनाब जामिया हफ्सा जो है वहाँ पर हमने झंडे लहरा दिए हैं, इस्लाम वो तालिबान ने जो अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के झंडे जो हैं वो वहाँ पर लहरा दिए हैं। बंदा पूछे उत्थे अफगानिस्तान के लोग ही इतराज़ कर रहे हैं उस झंडे के उत्ते, तुम इतने झंडे लहराई जा रहे हो। बहरहाल इनका अपना एक लॉजिक होती है, इन्होंने वो झंडे लहरा दिए वहाँ पर। उसके बाद जो डीसी हैं अपना हमजा शफकात साहब, उन्होंने बकाया तौर पर ट्विटर पे अपडेट किया कि जनाब हमने वो जाके झंडे खत्म जो है लहराए थे, उन्होंने उनको उतार दिया है और अब हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ जो हैं हाफज एहतशाम साहब, उन्होंने ये भी कहा वो उस खबर के मुताबिक जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने जारी की थी कि जनाब वो जो मौलाना अब्दुल अजीज साहब हैं वो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करवाने का भी ऐलान किया है जिसका नाम रखा है नफाज़े शरीयत व फतह मुबीन कॉन्फ्रेंस, ये लाल मस्जिद में होगी। अच्छा, अब लाल मस्जिद का वाकया चूँकि काफ़ी पुराना हो गया, 2007 की बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी टाइम लूँगा ताकि आपको याद आ जाए ये वाकया क्या है। लाल मस्जिद में दो भाई जो हैं, यानी एक तो उस वक्त ऑपरेशन में उनकी हलाकत हो गई थी, उनका नाम था मौलाना अब्दुल रशीद साहब और दूसरे जो हैं ये मौलाना अब्दुल अजीज साहब हैं। ये दो भाई जो हैं यहाँ पर उन्होंने एक मस्जिद बनाई, जगह बेसिकली थी चिल्ड्रन लाइब्रेरी के लिए जगह थी, और लेकिन ज़ियाद दौर के अंदर ये दोनों भाइयों ने आकर यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया और तमीरात शुरू कर दी। उसके बाद फिर बात बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँच गई कि मुशर्रफ टनियोर में जब जुलाई 2007 में, बल्कि जून 2007 में ये ऐसे वाक़यात होना शुरू हो गए कि चाइनीज़ जो मसाज सेंटर थे वहाँ पर जाकर इनकी जो ख़वातीन थी, इस लाल मस्जिद से मुतलका ख़वातीन और जामिया हफ्सा की ख़वातीन, ये दोनों एक्चुअली क्या कहना चाहिए, ये एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने इस्लाम जड़ा ना उन्होंने उजागर हों उ जाके अपनी तर्ज की जो शरीयत थी वो आप नाफज करना शुरू कर दी थी। उससे आप इतलाफ़ कर सकते हैं, उससे आप इतफाक़ कर सकते हैं, मैं उस बात को पर इतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको वो सिर्फ वाक़या बता रहा हूँ कि जिस वाक़े के बाद फिर मुशर्रफ ऑपरेशन करने पर मजबूर हो गए थे। चाइनीज़ के जो मसाज सेंटर्स थे वो इस्लामाबाद में काफ़ी जगह पर खुले हुए थे, उस पर फिर जब ये बात हरकत बढ़ती चली गई तो फिर उस वक्त ये खबर आई कि जनाब चाइनीज़ एम्बेसडर जो है उन्होंने जाके प्रवीण मुशर्रफ से मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि अगर आपने ये इनके खिलाफ ऑपरेशन ना किया या इनको रोका ना है कि करते पेने साढ़े शहरी ने जा के उन्होंने मार देने कुटते ने चुके लाए इन्हें अगवा कर लेते, तो अगर आपने इनको ना रोका तो फिर हम आपके साथ अपने ताल्लुक ख़त्म कर देंगे। इस हद तक चाइना जो है उस वक्त चला गया था, जिस पर प्रवीण मुशर्रफ साहब ने उसी रात मुतलका जो लोग थे उनको बुलाया और उन्हें कहा कि जी हर सूरत में ऑपरेशन करें। मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि उसमें सैकड़ों जाने गई थी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, बट एनीवेज एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था जो 3-4 रोज़ तक जारी रहा था, जिसमें बहुत ज़्यादा गोला बारूद इस्तेमाल हुआ। अब ज़ाहिर है इतना ज़्यादा गोला बारूद इस्तेमाल होगा तो यकीनी तौर पर हलाकतें हुई होंगी, लेकिन मौलाना अब्दुल रशीद साहब जो हैं वो अपनी बात के पक्के थे और वो डटे रहे और उन्होंने बाकायदा तौर पर मुकाबला किया, जो भी हालांकि वो रियासत के खिलाफ बगावत कर रहे थे, मगर जो भी उनका यकीन था उस पर वो डटे रहे और फाइनली वो मतलब मारे गए, मैं यही कह सकता हूँ। और उसके बाद ये जो मौलाना अब्दुल अजीज साहब हैं ये बुरखा पा के ना हंस गया सी भाई,
इसको पकड़ा था रास्ते में, ये फरार हो रहे थे जब फोर्सेज अंदर जा रही थी, तो ये नासरा था भाई, इसको पकड़ लिया था। बहरहाल कैद रहे, सज़ा हुई, फिर वापस आ गए, लेकिन वही आज आके हरकतें दोबारा से शुरू की हुई हैं, और कोई हुकूमत इस काबिल नहीं रही, उसके मसल्स में इतनी ताकत नहीं है कि वो जो बच्चों की लाइब्रेरी के लिए जगह थी उसको वेला करवा ले, और उसको ये जो गैर कानूनी तामीरात हैं इनको ख़त्म करवा दे, और इन साहब को कोई मतलब क्या कहते हैं कि रोक टोक कीजिए कि यार कानून के दायरे में रहें आप, बेशक तबलीग करें, बेशक आप जो शरीयत को बेहतर समझते हैं वो ज़रूर अपनाएं, लेकिन खुद अपनाओ ना, दूजियां नू ना तुसी मतलब है कि तक के अपनी तर्ज की शरीयत पे मेरा ज़्यादा जोर है, इसलिए कि बहुत सारे जो आलम दीन हैं वो इनकी बयान करदा शरई असूलों से इख्तलाफ करते हैं। बट एनीवेज़ ये क्योंकि मजहबी मामला है, मुझे इतना इल्म कोई नहीं तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता, मेरा मसला सिर्फ ये है कि ये इनके जो पेट में से मिनट बाद उठ के तालिबान बाहर आते हैं, और इनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि जिस तरह का इस्लाम ये चाहते हैं वो पाकिस्तान पर नाफिज हो जाए, तो ये जो इंतज़ामिया वो क्या कर रही है, ये अगर खबर ना आती, यानी वॉइस ऑफ अमेरिका जो कि बैन है पाकिस्तान के अंदर, वो आप उसकी वेबसाइट खोलें तो वो नहीं खुलती, वो को प्रॉक्सी ला के को लोग खोल लेते हैं। ये ट्विटर के ऊपर मैंने ये खबर देखी थी और उमर चीमा साहब ने इसको ट्वीट किया हुआ था। अच्छा बहरहाल वो फिर बाद में आ गई, अपना हमजा शफकात साहब जो हैं उनकी भी ट्वीट आ गई, जैसे चंडिलो आते इसका मतलब एक खबर ठीक थी, और अब जामा हिफ्जा को अलहदा एक जगह के ऊपर आर्जी तौर पे कैंप दिया गया था, लेकिन वहाँ पर अब कई मंजिला इमारत बन चुकी है जो कि गैर कानूनी तमीर है, लेकिन वो इमारत बन भी गई, वहाँ पर वो रह भी रहे हैं और वहाँ पे सारा सिलसिला भी चल रहा है। वो कुरान पाक की तलीम वो कहते हैं हम वहाँ पर बच्चियों को दे रहे हैं, वो बड़ी अच्छी बात है, ज़ाहिर है कि हर मुसलमान को कुरान पाक की तलीम लेनी चाहिए, लेकिन कानून जो है ना उसको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। बहर ये बात है, इस जो अफगानिस्तान में तालिबान हैं उनकी तो पजीराई हो रही है, फिलहाल तो पजीराई हो रही है, सच्ची बात है। चाइना की तरफ से तो मैंने आपको पहले बता दी थी, उन्होंने तस्लीम ही कर लिया तकरीबन, रशिया ने भी कहा कि हम इसको देखेंगे, वो फिलहाल ख्वातीन के हवाले से उनका रवैया नरम है, अकलियतों के हवाले से नरम है, और वो ये कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, एक इनक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, तो हम समझते हैं कि तालिबान को वहाँ पर मौका मिलना चाहिए। इसी तरह यूरोपीय यूनियन जो है उन्होंने कहा जी हम अपनी इमदाद बहाल रखेंगे। बरतानिया का जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका एक इंटरव्यू था स्काई न्यूज़ के ऊपर मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब दे आर आर बॉयज, यानी वो यानी ये कह रहे थे कि मैंने वहाँ पर 20 साल सर्व किया है तो मैं समझता हूँ कि दे आर आर बॉयज, हमारे बच्चे हैं, हमारे लड़के हैं, हमारे जवान हैं, ये अल्फाज जो हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं। तो उनका कहना ये था कि नहीं तालिबान अब बदले हुए हैं तो लिहाजा उनको मौका मिलना चाहिए। ये अलग बात है कि बरतानी की जो गवर्नमेंट है फिलहाल वो इस हवाले से वही मौक़ रखती है तकरीबन जो कि अमरीकी सदर रखते हैं और जो अमेरिका का ओवरऑल व्यू है इस हवाले से। लेकिन मैं फिर अगेन ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर आप जो मर्जी करें, मतलब अफगानिस्तान के अंदर अपनी तर्ज का जो भी आप इस्लाम नाफज करना चाहते हैं आप करें, आप जो भी कवानीन बनाना चाहते हैं वो उस कवानीन के मुताबिक रहें, सिर्फ इंसानी हकूक़ का यानी ख़वातीन का, बच्चों का, आप इस तरह के जो पहले मजालम सामने आते रहे हैं दुनिया के, उस तरह के मजालम वाली वारदात ना हो तो ठीक है, मतलब जमहूरियत ना भी हो तो मतलब मैनू बतौर पाकिस्तानी की तकलीफें पाए, ये हमारे साथ है अपना ईरान, यहाँ पर कौन सी जमहूरियत है, यह जिस तरह की ये जमहूरियत बना के बैठे हुए हैं वो कोई मतलब उसको आप इस्लामी जमहूरिया ईरान कही जाओ लेकिन वो नहीं है, साथ सऊदी अरब है उत्थे तो बादशाहत है सीधी, इसी तरह यूएई में कौन सी जमहूरियत है। तो मेरा मतलब है कि हर मुल्क का अपना एक निज़ाम होता है वो उसके मुताबिक चलाएं, लेकिन वहाँ पर इंसानी हकूक़ की और इन चीज़ों की बाहर रखनी चाहिए केयर कि जनाब ये चीज़ें गलत ना हो, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अफगानिस्तान और तालिबान के हवाले से एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो बड़ा ख़राब है माजी का, उसको उस इमेज को ख़त्म करने के लिए, उस तासुर को ज़ायल करने के लिए और जो उस तलख यादें हैं उनको दुनिया भर के जहनों से ख़त्म करने के लिए और अच्छी यादों को के लिए अपने लिए जगह बनाने के लिए तालिबान को बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अभी तो हफ्ता हुआ है, जुमा मतलब 8 दिन भी नहीं हुए, ठीक है, जब वो आए थे 15 अगस्त को उन्होंने टेक ओवर किया है, तो आज जो है वो 20 अगस्त है शायद,
ठीक है, मेरा ख्याल है 20 अगस्त ही है, तो 5 दिन सारे हुए हैं, लिहाजा इस 5 दिनों के अंदर तो कोई फैसला नहीं लिया जा सकता ना कि जनाब तालिबान बहुत अच्छे हैं, तालिबान बहुत बुरे हैं, तालिबान जो हैं वो ठीक हो गए हैं, तालिबान ख़राब हो गए हैं। लेकिन जो माजी रहा है उस एतबार से फिर तालिबान का जब जिक्र आता है तो चंगे भला बंदे लता कंबड़ी शुरू ही होती हैं, क्योंकि उनके जो मुजालम थे वो बहुत ज़्यादा थे और बड़े खौफनाक मुजालम थे वो जो माजी में वो करते रहे या कम अज़ कम जो मीडिया में सामने आते रहे, उसी की वजह से दुनिया भर में उनका जो है ना अपना इमेज वो यही है एक दहशत गर्दों वाला। हालांकि वो होंगे वो नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन बाहर तासर उनका यही है। जहाँ तक जमहूरियत की बात है तो जमहूरियत चाइना की कड़ी जमहूरियत है, ठीक है, उस पर तो कभी कोई बात ही नहीं करता कि जनाब चीनी जमहूरियत नहीं है। वो एक दो एन जी ओज है वो को रोला रोला पा लेनी है, कोई सुनता नहीं उनकी गल, इसलिए कि चाइना बहुत एक ताकतवर मुल्क है, वो अपने मुल्क की तरफ बात नहीं करने देता। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं अफगानिस्तान के हवाले से वो अफगानिस्तान रख रहे हैं, बस हमारा काम पाकिस्तान की हुकूमत का काम, पाकिस्तान की इस्टैब्लिशमेंट का काम यह है कि भाई ना उन्होंने उत्थों तक रहन दो, रब का ना जे इस पास ना लियाओ। ये जो मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने ऐलान किया है और जो झंडा लहरा दिया, तो कार्रवाई हमजा शफकार साहब कहते हैं कि हम करेंगे, वो पाए ने की थी क्यों नहीं उन तिकर, कार्रवाई जो कानून के मुताबिक बनती है वो करनी चाहिए, इसलिए कि ताकि दूसरों को इस बात का एहसास हो कि नहीं यार इतने कानून है, कानून सुता नहीं होया, कानून है, उसकी आंखें हैं, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो एक्ट कर रहा है, उसके नतीजे में जो शहरी हैं वो किसी बेहतर ज़िंदगी की तवक्का कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो फिर लॉलेसनेस है, आप देख ही रहे हैं जो मनारे पाकिस्तान में हुआ, ठीक है, इसी तरह को बंदा उठता है वो आके जनाब सड़क पे खड़ा होकर जो मर्ज़ी कहना शुरू कर दे, जो मसाजिद के अंदर खुतबे होते हैं अल्लाह माफ़ करे कभी वो आप सुन लें, जो एक दो मसाजिद हैं लाहौर के अंदर, तो फिर बंदा कहना वो अथलांदा है कि यार मतलब इनको कोई पूछने वाला नहीं है, उन्होंने की कही जा रहे हैं और वो कहते चले जा रहे हैं मुसलसल, उनको कोई नहीं पूछता। तो ये वाली सूरत हाल जो है ना, आप उधरी जो मर्ज़ी कर दे फिर ये जो दिल चाहे आप कर ले, ये काम दुरुस्त नहीं होता, जिसकी हर सूरत में मजम्मत होनी चाहिए। ये मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब जो हैं इनकी पूछ की ज़रूर होनी चाहिए, मेरे ख्याल में अगर उन्होंने कानून के ख़िलाफ़ को काम किया है तो ज़रूर होनी चाहिए। जो तालिबानाइजेशन है ना, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में बतौर एक तर्ज हुकूमत वो यहाँ पर लागू नहीं हो सकती। जनरल ज़िया ने बड़ी कोशिश करके देख ली, जनरल ज़िया ने 11 साल तालिबान ही जमे सन, ठीक है, और उसके बाद भी नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया था सन 1997 में, और इस हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त क्लिप है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का ट्विटर के ऊपर चल रहा है। वो कहते हैं कि जनाब PTV पर खबर चल रही थी कि जनाब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया, तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मुझे फ़ोन किया, तो उन्होंने पूछा कि जनाब ये कहाँ से खबर आ गई, ये किड़े किधर तस्लीम किया सी मुशाहिद साहब, तो उन्होंने कहा जी मैं पता करता हूँ भी ठहरें, तो कहते हैं मैंने फ़ोन किया मुतलका बंदे को कि भाई ये कहाँ से तस्लीम करवा ली आपने, तो उन्होंने कहा जी ये वजारत खारजा ने प्रेस रिलीज भेजी हमें, तो वजारत खारजा से पता किया, तो उन्होंने कहा जी हुक्म आ गया सी कर लो तो कर लें, ठीक है। ये इस किस्म के स्टेट ऑफ अफेयर्स रहे हैं हमारे, और अभी भी आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब जो हैं वो आज सुना जा रहा है, कहा जा रहा है कि आज वो मीटिंग कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की पॉलिसी जो है वो क्या होगी उस हवाले से हमारी, तो हम अपना उस पर एक अनाउंसमेंट करेंगे। हालाँकि ये मामला कब से चल रहा है कि जनाब अमरीका ने टुर जाना, दिन रह गए थोड़े, लेकिन हराम है जे खान साहब दे कन्ना दे जूं रिगी होवे और खान साहब ने सोचा हो कि यार नवाज शरीफ नूं छड़ दईए, यानी छड़ देने तो मुराद है कि उहदा तज़किरा छड़ना, उहदे बारे गौर करना छड़ना, जरदारी बारे छड़ना, मैं मुल्क बारे सोचना, को पॉलिसी बना ला, क्योंकि हुक्मरानों का काम पॉलिसी बनाना होता है ना, जाति अनाद बोगज तो मतलब नहीं ना होता, वो तो जाति बदले लेना तो हुक्मरानों का काम नहीं होता, फिर वो तो वज़ीर आज़म नहीं ये काम करते, ये तो फिर कबायली सरदार करते हैं इस तरह के काम। तो बहर खान साहब की अपनी एक लाइफ है, वो जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पाकिस्तान को बहर नुकसान हो रहा है। ये जामिया हिफ्जा
और जामिया सॉरी लाल मस्जिद जो है, इन दोनों के मामलात इस बात की निशानदेही करते हैं जो इन्होंने ऐलानात किए थे कि कितने ना कितने निक्के मोटे तालिबान जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इनके ऊपर सख्त और कड़ी नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बसूरत दिगर जो तालिबान के असरात, बुरे असरात यहाँ पर आ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, अच्छे तो आने के नहीं आने वो तो मैं नहीं पता, लेकिन बुरे ज़रूर आ सकते हैं। फिलहाल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।